हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो बच्चों हिस्टोलॉजी होता क्या है? बेसिकली हिस्टोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, राइट? सो अभी हम उनका ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो देखेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं जब भी हम एक रूट का टीएस लेंगे, ऑफ कोर्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एंड एक स्टेम का टीएस लेंगे मोनोकॉट डाइकॉट, एंड एक लीफ का लेंगे सेम मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोलॉजी पार्ट। एंड बच्चों हिस्टोलॉजी पार्ट से नीट में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड समझना। ओके, एंड देन देखने के बाद रीड ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। ओके, सो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, सबसे पहले देखो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है, जो फर्स्ट मेन स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूं दैट इज एपिडर्मिस। सो बच्चों होता क्या है? एपिडर्मिस जो होती है किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, एपिडर्मिस किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। एंड अब देखो कोई बेटा इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी कहीं भी ऐसे इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है, तो हम ऐसा लिखेंगे नो इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, एपिडर्मिस में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। एपिडर्मिस का एक और नाम है दैट इज ऑल्सो नोन एज पिलीफेरस लेयर। ठीक है, इसे हम पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पिलीफेरस लेयर। अब होता क्या है बेटा, एपिडर्मिस से कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। इलोंगेटेड रूट हेयर। तो रूट हेयर बच्चों कहां से अराइज होते हैं? रूट हेयर अराइज होते हैं फ्रॉम एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो है वो क्या है बेटा? एपिडर्मिस जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डाइकॉट रूट की, ये बात अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस के बाद मुझे दिख रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस से रूट हेयर अराइज हो रहे वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? अब चलते हैं कॉर्टेक्स की तरफ। ये है कॉर्टेक्स। ओके, सेकेंड नंबर में दे देती हूँ इसको, कॉर्टेक्स को। अब सवाल उठता है जो कॉर्टेक्स की सेल्स है ना, ये जो सेल्स है कॉर्टेक्स की ये किसकी बनी हुई है? तो बेटा कॉर्टेक्स की सेल भी पैरेन्काइमा की ही बनी हुई है। ठीक है, दे आर पैरेन्काइमा की बनी हुई। ओके, कॉर्टेक्स की सेल भी किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है, पैरेन्काइमा सेल की बनी हुई है। शेप देखो बेटा, इनका शेप अगर आप देखो तो क्या बोल सकते हैं कि इनका शेप जो स्फेरिकल है, राइट? और यहाँ पे आप देखो आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस भी दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है? स्फेरिकल विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो कॉर्टिक्स की पैरेन्काइमा सेल्स है दे आर स्फेरिकल विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे आर स्फेरिकल विथ इंटरसेलुलर स्पेस। दे आर स्फेरिकल विथ इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, तो सॉरी, कॉर्टिक्स की सेल्स किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा की। फाइन, कॉर्टिक्स की सेल्स का जो शेप है कैसा है? स्फेरिकल है। डन, कॉर्टिक्स की जो सेल्स है उसमें आपस में इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ठीक है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। नाउ बेटा कॉर्टिक्स के बाद हम करेंगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज बेसिकली द इनर लेयर ऑफ कॉर्टिक्स, बट उनमें क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। तो कॉर्टिक्स की जो इनर लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। यू कैन सी दिस, ये जो ये वाली लेयर है ना बेटा, दिस वन दिस इज एंडोडर्मिस। ओके, क्या है? एंडोडर्मिस है। सो थर्ड चीज हम पढ़ेंगे एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस क्या है बेटा? एंडोडर्मिस इज दी इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस क्या है? एंडोडर्मिस इज दी इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। याद हो गया, एंडोडर्मिस क्या है? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ओके, किसका बना हुआ है? सो आप देखो तो ये कुछ बैरल शेप की सेल्स दिखेगी आपको, यू नो समथिंग लाइक दिस। इस शेप की ऐसे सेल्स मिल रही है ना, देखो ऐसे ऐसे सब अरेंज है, राइट? तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं बैरल शेप। क्या बोलते हैं बेटा इस शेप को? इस शेप को हम बोलते हैं बैरल शेप्ड सेल्स, ठीक है? तो इसमें क्या है ये, और ये अरेंज कैसे हैं? बैरल शेप एकदम बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के ये ऐसे पूरे अरेंज्ड है, राइट? अब देखो बेटा, जैसे ये एक सेल है तो इसमें ये वाला पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे रेडियल। जैसे सर्कल में नहीं होता क्या, कोई सर्कल है तो ये रेडियस हो गया और ये क्या हो जाता है? टेंजेंट, राइट? तो ये वाला होता है रेडियस, ये वाला पार्ट होता है टेंजेंट। सेम, दिस इज रेडियल एंड इस चीज को हम बोलते हैं टेंजेंशियल। इस चीज को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल, ठीक है? रेडियल एंड देन हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका एंडोडर्मिस है वो किसका बना हुआ है? बैरल शेप सेल का। एंड इनका जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होता है, जो बैरल शेप सेल्स है उनका जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होता है, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, यहाँ पे रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे क्या है पता है? डेपोजिशन है। किसका? सुबेरिन का। डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ये बात याद रखना है आपको। एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डेपोजिशन होता है, एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डेपोजिशन होता है। अगर आप पूछो मुझसे ना नेचर क्या है एंडोडर्मिस की सेल्स का, इन बैरल शेप सेल्स का, मैं बोलूंगी बेटा इनका नेचर तो पैरेन्काइमा का ही है। इनका जो नेचर है वो पैरेन्काइमा का ही है, बट यहाँ के जो वॉल्स है उस पे क्या है? डेपोजिशन है। रेडियल टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डेपोजिशन है, जो क्या बना देता है? जो बना देता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, दैट मेक्स इट इम्परमिएबल टू वाटर, राइट? तो सुबेरिन के डेपोजिशन से यहां पे क्या बन गया? कैस्पेरियन स्ट्रिप बन गया। फाइन, समझ में आया, इतना क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज पेरिसाइकल, ठीक है? अब हम बात करेंगे फोर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज पेरिसाइकल, है ना? ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला, दिस वन, यहां जो सेल्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं उस सेल्स को, उस एरिया को हम बोलेंगे पेरिसाइकल। अब बेटा पेरिसाइकल की आप ये बात समझिए कि हम बात करें रूट की, राइट? तो अब यहाँ पे ये समझो आपका रूट है ना, और यहां से क्या हो रही है आपका रूट से क्या हो रहा है? रूट ब्रांच डेवलप हो रहा है। तो जो रूट ब्रांच है, रूट ब्रांच डेवलप्स फ्रॉम पेरिसाइकल। यू हैव टू रिमेंबर दिस, रूट ब्रांच कहां से एमर्ज होता है? रूट ब्रांच अराइज होता है, एमर्ज होता है फ्रॉम पेरिसाइकल। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट रूट ब्रांच जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम पेरिसाइकल। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पेरिसाइकल का फंक्शन है कि पेरिसाइकल हेल्प टू फॉर्म वास्कुलर कैम्बियम, टू फॉर्म वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है? मतलब सम पार्ट, लाइक ये पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ, राइट? तो पेरिसाइकल का फंक्शन क्या है? एक तो ये हेल्प करता है टू डेवलप रूट, और दूसरा ये हेल्प करता है टू फॉर्म वास्कुलर कैम्बियम, राइट? तो पेरिसाइकल में लिख लेते हैं इनकी सेल्स कैसी होती है। तो आप अगर आप देखो तो थिक वॉल होती है, ये सारी सेल्स कैसी होती है बेटा? थिक वॉल सेल्स है, ओके? थिक
वॉल सेल्स, ठीक है, कुछ लेयर की होती है, फ्यू लेयर, ठीक है, किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स. एक तो लेटरल रूट्स निकलती है और दूसरा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, तो मतलब बेसिकली वास्कुलर कैम्बियम बनाने में ये हेल्प करता है. कौन? आपका पेरिसाइकल. ठीक है, पेरिसाइकल किसमें हेल्प कर रहा है? वास्कुलर कैम्बियम बनाने में. मतलब इट हेल्प्स, इट कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सेकेंडरी ग्रोथ. समझ में आया सबको इतना? इजी. ओके, अब अगर आप देखो यहाँ के वास्कुलर बंडल्स, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, अगर हम वास्कुलर बंडल्स की बात करें रूट में, तो हमें पता है कि रूट में जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, लेकिन अल्टरनेट अरेंज है एंड सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज रेडियल, राइट. तो पेरिसाइकल हुआ. फिफ्थ हम बात करते हैं बेटा वास्कुलर बंडल्स की. फिफ्थ में यहां लिख देती हूं वास्कुलर बंडल. फिफ्थ में लिख देती बच्चों वास्कुलर बंडल. तो वास्कुलर बंडल में क्या है बेटा? ऑल्टरनेट जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, समझो यहाँ पे जाइलम है तो यहाँ पे फ्लोएम होगा. ऑल्टरनेट जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे अगर यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है, तो यहाँ पे फ्लोएम होगा, राइट. तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है, इसे हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं इसे हम? रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं. और दूसरा यहाँ पे जो कंडीशन है वो एक्सार्ज कंडीशन है. एक्सार्ज कंडीशन हमने बात की थी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. ठीक है, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम वो होता है जो पहले बनता है, मेटाजाइलम वो होता है जो बाद में बनता है. तो उस पोजिशन के हिसाब से क्या है ये? एक्सार्ज कंडीशन है. एंड अगर हम बात करें पिथ की, पिथ मतलब ये जो स्पेस होता है डाइकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में जो स्पेस है ये, दिस पिथ इज वेरी स्मॉल. डाइकॉट रूट में बच्चों जो पिथ है, डाइकॉट रूट में जो पिथ होता है, डाइकॉट रूट में जो पिथ होता है इज वेरी स्मॉल. इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इनकॉन्स्पिकुअस. इनकॉन्स्पिकुअस, तो डाइकॉट रूट में जो पिथ है वो बहुत ही स्मॉल है, ये आपको ध्यान में रखना है. सो फिर से एक बार मैं आपको डाइकॉट रूट के फीचर्स याद करा देती हूँ, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और फिर हम मोनोकॉट का फटाफट कंपैरिजन कर लें. सो सबसे पहला है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस को हम पेलीफेरस लेयर भी कहते हैं. एपिडर्मिस से इलॉन्गेटेड रूट हेयर्स जो है वो अराइज होते हैं. एंड एपिडर्मिस जो है वो बना हुआ है किसका? वो बना हुआ है पैरेन्काइमा सेल्स का. एंड यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती. एपिडर्मिस अगर आप डायग्राम में भी देखें बच्चे एकदम ध्यान से, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, सारे क्या है? पैरेन्काइमा के ही सेल्स है. देन हम बात करते हैं किसकी बेटा? कॉर्टेक्स की. सेकेंड लेट्स टॉक अबाउट कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के साथ साथ उसका जो इनर पार्ट है दैट इज एंडोडर्मिस, वो भी ले लेते हैं. एंडोडर्मिस ये क्या है? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. इनर लेयर है किसका बने हुए हैं ये लोग? ये लोग भी बेटा पैरेन्काइमा सेल्स के बने हुए हैं. कॉर्टेक्स में इंटरसेल स्पेसेस होता है, एंडोडर्मिस में रेडियली और टेंजेंशियली उनके बैरलशेप सेल्स में सुबरन का डिपोजिशन होता है, राइट. सो डन विद कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. देन थर्ड है बेटा हमारे पास पेरिसाइकल, है ना, पेरिसाइकल. तो पेरिसाइकल में क्या होता है? पेरिसाइकल फ्यू लेयर की है ना. इट इज लाइक फ्यू लेयर किसकी है, मतलब हेल्प किसमें करती है? ये हेल्प इन लेटरल. पेरिसाइकल बताया था आपको मैंने कि
किसमें हेल्प करेगा ये लेटरल रूट डेवलप करने में, जो पेरिसाइकल है किसमें हेल्प करेगा, इसी से क्या होगी लेटरल रूट्स अराइज होगी, सो इट हेल्प इन लेटरल रूट डेवलपमेंट, लेटरल रूट डेवलपमेंट, इट हेल्प इन लेटरल रूट डेवलपमेंट, और दूसरा किसमें हेल्प करता है ये वास्कुलर कैम्बियम बनाता है, तो इट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, वास्कुलर कैम्बियम बनाता है तो इट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, इट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, क्लियर हुआ इतना? ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट वास्कुलर बंडल्स। तो वास्कुलर बंडल बताया मैंने आपको कि ऑल्टरनेट फॉर्म में जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज है, दैट इज रेडियल, फिर एक्सार्ज कंडीशन। अब जो रेडियल अरेंज है जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, तो उनका नंबर ना 2 से 6 तक हो सकता है, लाइक 2 जाइलम 2 फ्लोएम, ठीक है, 3 जाइलम 3 फ्लोएम, 4 जाइलम 4 फ्लोएम, है ना, तो 2 से 6 हो सकते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं डाईआर्क टू हेक्सार्क, डाईआर्क टू हेक्सार्क, ठीक है, ये ऐसा बोला जाता है। नाउ एक और चीज समझिए जिसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है स्टीली, ठीक है, स्टीली, तो व्हाट इज स्टीली, स्टीली मतलब ऑल टिश्यूज, ऑल टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आप सबको पता है, एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, तो सारे टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर आते हैं, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, सब कुछ, दे आर पार्ट ऑफ स्टीली, तो स्टीली का पार्ट कौन है, स्टीली का पार्ट है आपका पेरिसाइकल, स्टीली का पार्ट कौन है पेरिसाइकल प्लस वास्कुलर बंडल प्लस पिथ आएगा, ऑफ कोर्स पिथ, और बेटा यहां पे कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज, राइट, जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है वहीं पे देयर आर सम सेल्स known as conjunctive tissues, they are also part of stele. तो stele में कौन-कौन आएगा? Pericycle, vascular bundles, pith and conjunctive tissue. Stele में कौन-कौन आएगा? Pericycle, vascular bundles, then conjunctive tissue and pith. ठीक है? Okay. एक term मैंने आपको और सिखाया था पहले, ground tissue. तो ground tissue क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल, राइट, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, यानी कि कौन कौन हुआ ग्राउंड टिश्यू का पार्ट, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट हुआ बेटा आपका कॉर्टेक्स, है ना, एपिडर्मिस को हटा दिया तो नेक्स्ट आपको कॉर्टेक्स मिलता है, प्लस पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू होगा, यस होगा, कंजक्टिव टिश्यू पिथ होगा, ऑफ कोर्स पिथ होगा, ना कौन नहीं है, वास्कुलर बंडल्स नहीं है, ग्राउंड टिश्यू मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल्स, तो पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, कंजक्टिव टिश्यू एंड पिथ इसमें आएगा, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं आपको कि लाइक कॉमन स्टीली और ग्राम टिश्यू में कॉमन चीजें क्या है, है ना, तो हम अगर देखें तो पिथ जो है वो कॉमन है दोनों में, कंजक्टिव टिश्यू है वो क्या है बेटा कॉमन है दोनों में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्टीली का पार्ट है लेकिन ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप बोल सकते हैं जो स्टीली का पार्ट है, I'm repeating again, जो स्टीली का पार्ट है, the one which is part of stele but not part of ग्राउंड टिश्यू, स्टीली का पार्ट है पर ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे वास्कुलर बंडल्स,
ठीक है, वास्कुलर बंडल्स क्या है बेटा? वास्कुलर बंडल्स जो है वो किसका पार्ट है? सिर्फ स्टीले का पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू में वास्कुलर बंडल्स नहीं आता है ना। जहां पेरिसाइकल भी कॉमन है, वैसे पेरिसाइकल इज ऑल्सो कॉमन। पेरिसाइकल जो स्टीली और ग्राउंड टिश्यू दोनों में आता है, तो पेरिसाइकल इज ऑल्सो कॉमन। पेरिसाइकल पे कनेक्टिव टिश्यू कॉमन है, जबकि अगर मैं देखूं तो वास्कुलर बंडल्स जो है वो स्टीली में है लेकिन ग्राउंड टिश्यू में नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि भाई जो स्टीली में नहीं है पर ग्राउंड टिश्यू में है, स्टीली में नहीं है पर ग्राउंड टिश्यू में है, तो उसका आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स स्टीली में नहीं है पर ग्राउंड टिश्यू में है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट स्टीली मींस व्हाट? स्टीली मींस एंडोडर्मिस के अंदर जो भी आता है। तो एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल आता है, वास्कुलर बंडल्स आते हैं, कंजक्टिव टिश्यू आता है, पिथ आता है। और ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल्स। तो अगर आपको ये ध्यान है तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑब्वियसली सॉल्व कर लेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट डाइकॉट रूट। नाउ लेट्स मूव टू एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। अब हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। बहुत ईजी है, सी वही स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस बनी हुई है पैरेन्काइमा सेल्स की, एंड उन सेल्स से क्या हो रहा है बेटा? रूट हेयर, इलॉन्गेटेड रूट हेयर्स अराइज हो रहे हैं। देन आपके पास कॉर्टेक्स है, देन इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम जाइलम है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम ऑफ कोर्स, एंड पिथ है। पार्ट्स वही है, पार्ट्स वही है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लेट्स सी। पहला डिफरेंस है वास्कुलर बंडल में। तो वास्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है? जो मोनोकॉट और डाइकॉट रूट है उसका वास्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है? तो वास्कुलर बंडल मोनोकॉट में मोर देन सिक्स होते हैं। वहां मैंने कहा ना डायक टू हेक्सा की कंडीशन मिलेगी, लेकिन मोनोकॉट में आपको मोर देन सिक्स मिलेगा। दूसरा डिफरेंस होता है बेटा हमारे पिथ में। तो पिथ जो होता है मोनोकॉट का वो लार्ज होता है। डाइकॉट का पिथ वॉज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, लेकिन जो हमारा मोनोकॉट का पिथ है वो लार्ज होता है। और एक चीज यहां पे, मोनोकॉट में नो सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड। बच्चों यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी वेल दैट जो मोनोकॉट रूट है, जो आपका मोनोकॉट रूट है, ग्रासेस वगैरह मोनोकॉट, तो मोनोकॉट जो रूट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। इन मोनोकॉट रूट देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। फाइन, बाकी से जितने भी चीजें हैं वो क्या है बेटा? वो सब इनमें सेम है। ओके, सो एक डिफरेंस का हम कॉलम बना लेते हैं, इजी रहेगा। मोनोकॉट रूट then dicot root। so monocot root में हमें जो रेडियल अरेंजमेंट होता है xylem phloem का वो मोर देन सिक्स, तो मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ poly arc condition is observed, जबकि dicot root में it is diarc to hexarc, मतलब दो से छह हो सकता है, diarc to hexarc। दूसरा डिफरेंस है बेटा मोनोकॉट में नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि डाइकॉट बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व, क्योंकि पेरिसाइकल क्या करता है? वास्कुलर कैम्बियम बनाता है। देन थर्ड पॉइंट, जो पिथ होता है वो लार्ज होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट, एंड डाइकॉट रूट में पिथ इज स्मॉल और क्या बोलते हैं इसको, इनकॉन्स्पिकुअस। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। ओके, अब हम मूव करेंगे स्टेम की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विथ डाइकॉट स्टेम। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइकॉट स्टेम।
ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, डाइकॉट स्टेम की। सो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लेयर्स ऐसे अराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं ट्राइकोम। सो सबसे पहले है मेरे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसका बना होगा बच्चों? एपिडर्मिस बना होगा ऑफ कोर्स पैरेन्काइमा सेल्स का, स्टेम का एपिडर्मिस भी। स्टेम का एपिडर्मिस भी बच्चों बना हुआ है किसका? पैरेन्काइमा सेल्स का। स्टेम एपिडर्मिस इज आल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सिंगल लेयर तो होगा ऑफ कोर्स, सिंगल लेयर क्यूटिकल हो सकता है यहाँ पे, है ना, क्यूटिकल का डिपोजिशन हो सकता है एपिडर्मिस के ऊपर टू मिनिमाइज द वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन, है ना। जैसे डेजर्ट प्लांट वगैरह जो होते हैं उन वो नहीं चाहते ना कि उनको वाटर लॉस और ट्रांसपीरेशन हो, तो बेसिकली जो स्टेम का एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर क्यूटिकल की डिपोजिशन होती है, राइट। तो क्यूटिकल में प्रेजेंट स्टोमेटा भी हो सकता है, राइट, स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकता है। सो एपिडर्मिस के बारे में इतना सब क्या, और हमने देखा कि हाँ एपिडर्मिस से कुछ अगर निकल रही है सेल्स स्टेम में तो उसे हम ट्राइकोम कहेंगे, फाइन। चलो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो हमारे पास, दैट इज कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे हमें मिलता है कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस, ये ऐसे क्यों लेबल किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कॉर्टेक्स के तीन पार्ट हो जाते हैं, कॉर्टेक्स के तीन रीजन हो जाते हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स के तीन रीजन हो जाते हैं। पहला है हाइपोडर्मिस, पहला रीजन है हाइपोडर्मिस, दूसरा है कॉर्टिकल लेयर, और तीसरा तो वही है इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज एंडोडर्मिस, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज एंडोडर्मिस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी वेल, जो आपकी हाइपोडर्मिस है दैट इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा सेल्स, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा सेल्स। हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा सेल, ये कुछ फ्यू लेयर्स की होती है ना, एंड कॉलेनकाइमा सेल्स है मतलब दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली जो हाइपोडर्मिस वाला रीजन है इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन स्टेम, क्योंकि उसकी जो सेल्स है वो कॉलेनकाइमेटस है एंड कॉलेनकाइमा सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट इन इट, और इसकी वजह से जो ग्रीन स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, राइट। देन यू हैव कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर आप देख सकते हैं किसका बना हुआ है, कॉर्टिकल लेयर जो है आपका वो बना हुआ है पैरेन्काइमा का, है ना, कॉर्टिकल लेयर जो है, कॉर्टिकल लेयर इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, कॉर्टिकल लेयर किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स का, ठीक है, कॉर्टिकल लेयर इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अब जो आपका एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस बेसिकली क्या है, हमारा इनर लेयर है ना, एंडोडर्मिस हमारा इनर लेयर है, किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स का ही बना हुआ है। एंडोडर्मिस भी बच्चों पैरेन्काइमा सेल्स का ही बना हुआ है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये पैरेन्काइमा सेल्स का तो बना हुआ है बट यहाँ पे स्टार्च स्टोर करते हैं ये लोग, इसलिए हम इनको रिफर कर देते हैं कि यहाँ पे स्टार्च शीट है, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, ओके। आई रिपीट दिस, डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में बच्चों हम स्टार्ट हुए किससे, हम डाइकॉट स्टेम में बेसिकली स्टार्ट हुए एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है पैरेन्काइमा की बनी हुई है, हमने ये बोला, एंड यहाँ पे जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होता है, क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, है ना, स्टोमेटा होता है अगर गैसेस एक्सचेंज करना है ना हाइपोडर्मिस में, क्योंकि मैंने बोला आपको कि हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा वाले सेल्स है, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की स्टोमेटा चाहिए, राइट, तो इसलिए एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ओके। एंड एपिडर्मिस जानते जो कॉर्टेक्स है उसको हमने तीन रीजन में डिवाइड किया है, दैट इज
हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बना हुआ है कॉलन काइमा सेल्स का, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। कॉर्टिकल रीजन और एंडोडर्मिस दोनों बने हुए हैं किसके, पैरेन्काइमा सेल्स के, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स का। यहाँ पे एंडोडर्मिस स्टार्च स्टोर करता है, फाइन, इतना क्लियर हुआ, ओके। सो डाइकॉट स्टेम ऑफ कोर्स ये लेयर है, कौन ये लेयर है आपकी, एपिडर्मिस, कौन सी सेल्स की, पैरेन्काइमा सेल्स की। फिर इसके नीचे है आपके पास हाइपोडर्मिस, इसके नीचे फ्यू लेयर्ड का आपके पास क्या है बेटा, इसके नीचे फ्यू लेयर्ड का आपके पास है हाइपोडर्मिस, जो बना हुआ है किसका, कॉलेनकाइमा सेल्स का। फिर इसके नीचे है आपके पास थोड़े की, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन है तो यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, राइट, इट इज कॉर्टिकल रीजन, इट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो यहाँ पे आ गया कॉर्टिकल रीजन। सो दिस इज योर कॉर्टिकल रीजन जो बना हुआ है पैरेन्काइमा सेल्स का। इसके नीचे हमारे पास है एंडोडर्मिस, इसके नीचे वी हैव एंडोडर्मिस, है ना, स्टार्च शीट होती है आपसे टू स्टोर स्टार्च, दिस इज योर एंडोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। सो बेसिकली आई कैन से दैट ये तीनों को मैं बोल सकती हूँ, हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल रीजन एंड एंडोडर्मिस को मैं बोल सकती हूँ कॉर्टेक्स, ठीक है, व्हाट आई कैन से, आई कैन कॉल देम कॉर्टेक्स, ओके। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर क्या आएगा, ऑफकोर्स पेरिसाइकिल आएगा। अब यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है वो बना हुआ है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का, यस, एंड वो कैसे प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस। ये पेरिसाइकिल है बच्चों, दिस इज पेरिसाइकिल, दिस इज पेरिसाइकिल, है ना, ये पेरिसाइकिल जो है वो सेमी लूनर, सेमी लूनर पैचेस के जैसे प्रेजेंट है इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। सो पेरिसाइकिल में सेमी लूनर पैचेस के जैसे स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट है, ओके। इसके बाद आएगा आपका वास्कुलर बंडल्स, राइट, नाउ यू हैव वास्कुलर बंडल्स। जो वास्कुलर बंडल्स है बेटा वो यहाँ पे थोड़े ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, सो आई ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना, दिस इज योर वास्कुलर बंडल, एंड यहाँ वास्कुलर बंडल में हमारे पास कैम्बियम भी होता है। सो बेसिकली दिस इज बाहर जो है वो फ्लोयम है, अंदर की तरफ जाइलम है, एंड दिस इज कैम्बियम, दिस इज कैम्बियम। सो वास्कुलर बंडल इज बेसिकली हेयर, जो वास्कुलर बंडल है हेयर, वास्कुलर बंडल इज ऑफ विच शेप, ट्राइंगुलर शेप, जिसको हम प्रॉपर अच्छे बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं वेज शेप। तो यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल्स है वो वेज शेप के होते हैं। टू रिमेम्बर दैट इन डाइकॉट स्टेम द वास्कुलर बंडल्स आर ऑफ वेज शेप, याद रहेगा, इन डाइकॉट स्टेम द वास्कुलर बंडल्स आर ऑफ वेज शेप, ओके, एंड फ्लोयम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है बेटा कि आपका फ्लोयम और जाइलम यू नो टुगेदर इज प्रेजेंट, आपने कहा रूट में अल्टरनेट प्रेजेंट था रेडियल अरेंजमेंट, तो यहाँ पे साथ में इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट, है ना, कॉन्जॉइंट बोलते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को, हम कॉन्जॉइंट कहते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो इट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, राइट, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन टाइप,
इसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट ओपन टाइप. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट जाइलम, तो जाइलम में जो प्राइमरी जाइलम है इट इज ऑफ टू टाइप, राइट, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले बनता है और मेटाजाइलम जो बाद में बनता है. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो प्रोटोजाइलम है वो इस तरह लाइक इट स्टोर्स इनसाइड, राइट, प्रोटोजाइलम यहाँ होता है एंड हियर इट इज मेटाजाइलम. सो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एंडार्ज, है ना. तो एंडार्ज, तो वास्कुलर बंडल वेज शेप हो गया, कैम्बियम प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट है, ओपन एंड एंडार्ज. प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की पोजीशन के हिसाब से एंडार्ज कंडीशन है. और यहाँ पे जो पिथ होता है, पिथ, पिथ इज लार्ज, पिथ इज लार्ज. ओके, सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो स्टूडेंट्स दैट प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड एंड मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है, आउटर साइड. ये आपको कैम्बियम दिख रहा है एंड दिस इज फ्लोएम. तो जब मेटाजाइलम आउटर की तरफ होता है एंड प्रोटोजाइलम इनर की तरफ होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडार्ज. ठीक है, सॉरी, इस कंडीशन को कहते हैं एंडार्ज, जब प्रोटोजाइलम इज इनर साइड एंड जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ है. ऐसा सेम हमने ऑपोजिट देखा था, है ना. यहाँ पे हमने कहा कि एंडार्ज है स्टेम में और रूट में हमने बच्चों क्या देखा था, रूट में हमने एक्सार्ज देखा था बच्चों, रूट में हमने एक्सार्ज देखा था जहां पे क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है वो आउट में होगा एंड जो मेटा होता है वो इनर में होता है. मेटा इनर की तरफ होता है तो उसे हम एक्सार्ज कहते हैं, राइट. ओके, सो इतना क्लियर है आप सबको. आगे देखते हैं बच्चों. सो यू हैव सच काइंड ऑफ डायग्राम आल्सो इन डाइकॉट स्टेम. आप देखिए टेक्सटबुक में ये भी है, है ना, ऐसा डायग्राम भी है, राइट. सो क्या बता रहा है ये, एपिडर्मल हेयर्स, ट्राइकोम, राइट, एपिडर्मिस. एपिडर्मल हेयर को क्या बोल रहे हैं हम, ट्राइकोम. एपिडर्मिस हमें पता है भाई, तारन का मसल्स की है, नो इंटरस्टल स्पेसेस लर्न हो गया है. हाइपोडर्मिस कॉलन काइमा सेल्स की है, ये भी हमें याद हो गया है, फ्यू लेयर होता है. फिर कॉर्टिकल रीजन. एंडोडर्मिस कैसा है बेटा, जो एंडोडर्मिस है वो बनी हुई है तारन काइमा सेल्स की. देन यू कैन सी पेरिसाइकल, राइट, देन यू हैव पेरिसाइकल मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, डेड है, स्क्लेरेनकाइमा मतलब डेड सेल्स, है ना, पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है. देन यू कैन सी वास्कुलर बंडल्स, ट्रायंगुलर वेज शेप. देन बेटा यहाँ पे क्या है, देखो मेड्यूलरी रेज है. व्हाट इज हियर, हियर यू हैव मेड्यूलरी रेज. तो बेसिकली जो आपका दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती है एंड बेसिकली एमर्ज कहां से होती है, ये पिथ से एमर्ज होती है. दिस इज पिथ, है ना. यहाँ पे पिथ कैसा है, पिथ इन डाइकॉट स्टेम इज लार्ज. ठीक है, डाइकॉट स्टेम में पिथ लार्ज है तो पिथ को हम मेड्यूला भी कहते हैं, क्योंकि इनर भाग है ना, इट इज द इनर भाग. जो पिथ है वो इनर पोर्शन है, राइट, इनर पोर्शन से मेड्यूला भी कहते हैं. तो मेड्यूला से कुछ पैरेन्काइमा सेल्स अराइज होती है, उसे हम बोलते हैं मेड्यूला से कुछ पैरेन्काइमा की सेल्स अराइज होती है, इसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज. व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज मेड्यूलरी रेज. ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड्यूलरी रेज एंड पिथ व्हिच इज वेरी लार्ज हियर. पिथ जो है बेटा वो अच्छा खासा लार्ज है. ठीक है, सो एक चीज और है कि डाइकॉट स्टेम में जो वास्कुलर बंडल है वो कैसे दिख रहा है हमें, रिंग टाइप अरेंजमेंट. ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इन डाइकॉट स्टेम
जो मेन फीचर है क्या है? रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल. रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल. रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल. अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल हमें कहां देखने को मिलता है, एंड ऑप्शंस होते हैं आपके पास डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, आपका आंसर होगा डाइकॉट स्टेम. ठीक है, डाइकॉट स्टेम में हमें वास्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है. फाइन, इजी, क्लियर है बच्चों इतना? ओके, सो डाइकॉट स्टेम हो गया, लेट्स मूव टू मोनोकॉट स्टेम. दिस इज वेरी इजी. मोनोकॉट स्टेम. सो मोनोकॉट स्टेम में जो पहला बेटा हम लोग का लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस. जो फर्स्ट है, इट इज एपिडर्मिस. किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा सेल्स का. एपिडर्मिस बढ़िया है, पैरेन्काइमा का बनता है. इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो हाइपोडर्मिस है ना, यू कैन सी जो हाइपोडर्मिस है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स. ठीक है, लाइक इफ यू इमेजिन, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देखें, सो जैसे बाहर आपका है फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, है ना, अंदर यू हैव, दिस इज हाइपोडर्मिस. तो हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का. एंड ये कौन है? ये एपिडर्मिस है. ओके, नेक्स्ट वास्कुलर बंडल्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स लार्ज होते हैं, दैट टू इन सेंटर. ऐसे सेंटर में पड़े हैं वास्कुलर बंडल्स. ठीक है, वास्कुलर बंडल्स जो है दे आर लार्ज एंड इन सेंटर. वास्कुलर बंडल्स लार्ज इन सेंटर, हमें पता है अरेंजमेंट कैसा होता है, कॉन्जॉइंट टाइप्स. कॉन्जॉइंट होता है तो यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम, राइट? फ्लोएम, अरे फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम. यहाँ पे कैम्बियम नहीं होता. हाँ, देर इज नो कैम्बियम. यहाँ पे कैम्बियम नहीं होता. सो वास्कुलर बंडल में आप ऐसा लिख सकते हैं कि देर इज नो कैम्बियम प्रेजेंट. तो इनका टाइप क्या हुआ? कॉन्जॉइंट क्लोज्ड. ठीक है, तो जो वास्कुलर बंडल होता है दैट इज कॉन्जॉइंट क्लोज. ठीक है, इट इज कॉन्जॉइंट क्लोज्ड. साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे फ्लोएम में कितनी बार, कितने ही मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, फ्लोएम में पानी भर जाता है. तो बेसिकली वास्कुलर बंडल्स में ऐसा बोलता है कि वाटर फील्ड कैविटी इज ऑब्जर्व्ड इन वास्कुलर बंडल्स. ठीक है, सॉरी, फ्लोएम में पानी भरने की वजह से हम कितनी बार कैसा बोल देते हैं, दैट वाटर फील्ड कैविटी ऑब्जर्व्ड इन वास्कुलर बंडल्स. ओके, यहाँ जो वास्कुलर बंडल्स है उसके अराउंड कुछ सेल्स अराउंड करती हैं. वास्कुलर बंडल्स के अराउंड कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, नोन एज बंडल, क्योंकि वास्कुलर बंडल के अराउंड है, राइट? बंडल शीथ सेल्स. ठीक है, बंडल शीथ सेल्स हम इनको कहते हैं. समझ में आया ये? चलो एक चीज, हाँ चलो ये देखते हैं, फिर एक चीज समझाती हूँ आपको मैं. सो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ओके, हाइपोडर्मिस है, ओके, किसकी बनी हुई है एपिडर्मिस? स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है. वास्कुलर बंडल्स सब अनइक्वल साइज के हैं, है ना, वास्कुलर बंडल्स जो है वो अनइक्वल साइज के हैं, अच्छी खासी स्पेस लेके रखते हैं. और यहाँ पे कैसा है, वो कॉन्जॉइंट है, देन क्लोज्ड है, है ना, कैम्बियम नहीं है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. क्लोज्ड मतलब नो कैम्बियम,
लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे. क्लोज मतलब नो कैम्बियम एंड क्या होता है फ्लोएम जाइलम. ठीक है आपको दिख रहा है कि अनइक्वल साइज के है ये लोग. राइट यू कैन सी इट इज ऑफ अनइक्वल साइज. राइट देन एक चीज यहां पे अगर आप देखो तो प्रॉपर कॉर्टेक्स नहीं है, पिथ नहीं है, एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकल नहीं है. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो मोनोकॉट स्टेम है यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता. नो सेकेंडरी ग्रोथ ऑन मोनोकॉट स्टेम है ना, हो ही नहीं सकता. कैम्बियम ही तो नहीं है. राइट कैम्बियम ही नहीं है तो नो सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन मोनोकॉट स्टेम. क्लियर हो गया. एक डिफरेंस का कॉलम बना लेते हैं फटाफट से ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम. ओके तो हाइपोडर्मिस है दोनों में. यस हाइपोडर्मिस दोनों में है. तो हाइपोडर्मिस जो है डाइकॉट स्टेम में कैसा है. हाइपोडर्मिस आपने क्या कॉर्टिक्स रीजन है. कॉर्टिक्स रीजन तीन में डिवाइड हो रखा है भाई. हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस. और हाइपोडर्मिस बना हुआ है कॉलन काइमा सेल्स का. राइट तो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है इज ऑफ कॉलन काइमा सेल्स. जबकि अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो यहाँ पे तो भाई कॉर्टिक्स ही नहीं है. हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है और हाइपोडर्मिस बना हुआ है किसका बेटा. हाइपोडर्मिस बना हुआ है स्क्लेरन काइमा सेल्स का. हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमा सेल. देन यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है ना. कॉर्टेक्स का इनर लेयर, एंडोडर्मिस, पिथ ये सब क्या है आर प्रेजेंट. और यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब चीजें मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती, एब्सेंट है. राइट वास्कुलर बंडल्स अगर हम देखें तो भाई यहाँ की वास्कुलर बंडल्स इतने सुंदर है ना, एकदम रिंग शेप में अरेंज है डाइकॉट स्टेम में. तो वास्कुलर बंडल्स के बारे में अगर मैं लिखे हैं तो यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप, ठीक है, इक्वल साइज, ट्राइंगुलर शेप के हैं, इक्वल साइज के हैं. देन कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट ओपन है ना, क्योंकि दे शो सेकेंडरी ग्रोथ. कॉन्जॉइंट ओपन है बिकॉज ये लोग क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं. मोनोकॉट में अगर हम लोग वास्कुलर बंडल्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे, तो ये लोग कैसे है अनइक्वली, मतलब अनइक्वल साइज के हैं, अनइक्वल साइज, ठीक है, दे आर ऑफ अनइक्वल साइज और स्कैटर्ड है ना, स्कैटर्ड है, अनइक्वल साइज भी है और दे आर लाइक स्कैटर्ड एवरीवेयर. राइट देन कॉन्जॉइंट क्लोज होगा, नहीं कॉन्जॉइंट क्लोज होगा ना, नो सेकेंडरी ग्रोथ. तो यस कॉन्जॉइंट क्लोज क्योंकि नो कैम्बियम एंड एंड इसमें और क्या है यहां पे रिंग अरेंजमेंट वो लिखा ही नहीं मैंने. रिंग अरेंजमेंट इस चीज को कहते हैं यूस्टिली, ठीक है, और यहाँ पे स्कैटर्ड होता है ना. यहाँ पे जो होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं और यहाँ पे प्रॉपरली रिंग अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं. क्लियर हो गया, समझ में आ गया अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम. यू हैव टू रिमेम्बर बस की सेल्स कौन सी है ना. जैसे हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरन काइमा सेल्स की है, इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम ये सब आपको याद रहना चाहिए है ना. इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ओके लेट्स नाउ स्टडी अबाउट डाइकॉट लीफ. अब हम पढ़ेंगे डाइकॉट लीफ के बारे में जिसका एक दूसरा सुंदर नाम है डॉर्सी वेंट्रल लीफ.
डॉर्सी वेंट्रल लीज, ठीक है, डाइकॉट लीफ और डॉर्सी वेंट्रल लीज। सो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे एडिक्सियल एपिडर्मिस है, इसका मतलब होता है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को क्या बोल रहे हैं, अपर एपिडर्मिस को बोल रहे हैं एडिक्सियल, ठीक है। याद करना है आपको कि जो लीफ का हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं राइट लीफ का, तो ये डाइकॉट लीफ की अगर मैं बात करूं तो डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं, यहाँ पे एडिक्सियल एंड अबेक्सियल होता है। एडिक्सियल मतलब अपर एंड अबेक्सियल मतलब लोअर, ओके। एडिक्सियल मतलब, एडिक्सियल मतलब होता है अपर एंड अबेक्सियल मतलब होता है लोअर, ओके। एंड यहाँ पे जो आपका ऊपर का सरफेस है अपर एपिडर्मिस है, इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होता, अगर होता भी है तो इट्स वेरी लेस इन नंबर। एंड जो आपका लोअर सरफेस है अबेक्सियल है, अबेक्सियल एपिडर्मिस में क्या होता है बेटा, अबेक्सियल में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो लोअर सरफेस है वहीं पे आपको स्टोमेटा मिलेगा, फाइन। सर यहाँ पे यू हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स नोन एज मेसोफिल सेल्स। अब जो मेसोफिल सेल्स है वो इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ दो तरह की मिलती है हमें, दैट इज टेलीसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। इनका अरेंजमेंट कैसे है बच्चों, जो स्पॉन्जी मेसोफिल है वो स्कैटर्ड वे में अरेंज है, एंड जो टेलीसेड है वो काफी क्लोज्ड वे में एकदम अरेंज्ड होते हैं, राइट। चलो देखते हैं इसको हम। सो अपर एपिडर्मिस को हमने क्या बोला, एडिक्सियल बोला। अपर को हमने क्या बोला बच्चों, अपर को हमने एडिक्सियल बोला। सो अपर एपिडर्मिस एडिक्सियल, इसमें बने हुए किसके, ये पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, no or less stomata, and यहाँ पे आप देख सकते हैं ये deposition है किसका, cuticle का। तो यहाँ पे cuticle का deposition होता है, cuticle का deposition reason क्या है, to minimize water loss, ठीक है, कि transpiration ज्यादा पानी का loss ना हो, तो cuticle का deposition हमें यहाँ पे मिलता है, cuticle deposition is present, right? Then, अगर आप देखो अबेक्सियल एपिडर्मिस, तो मैं सेकेंड इसको ले लेती हूं, सेकेंड अबेक्सियल एपिडर्मिस, जिसे हम क्या कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, इट इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे ये कैसी होती है, थिन होती है, इट इज थिन। जो लोअर एपिडर्मिस होती है बच्चों दैट इज थिन, लोअर एपिडर्मिस कैसी होती है, इट इज थिन। आई मीन यहाँ पे क्यूटिकल जो होता है बेटा, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, मतलब लोअर एपिडर्मिस में आपका क्यूटिकल जो होगा कैसा होगा, थिन और एब्सेंट, थिन और क्यूटिकल एब्सेंट। लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें क्यूटिकल या तो बहुत थिन होगा या फिर एब्सेंट होगा, एंड यहाँ पे क्या है बेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा आर प्रेजेंट। और जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स है वो किस शेप के होंगे, गार्ड सेल आर ऑफ विच शेप, गार्ड सेल किस शेप के होंगे, गार्ड सेल आर ऑफ बीन शेप्ड। यहाँ पे जो गार्ड सेल होंगे बच्चों लोअर एपिडर्मिस में, जो आपके गार्ड सेल होंगे वो किस शेप के होंगे, बीन शेप्ड के होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइकॉट की, राइट। तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होंगे वो इस तरह से बीन शेप्ड के होंगे, डन, ओके। देन हम बात करेंगे यहाँ पे मेसोफिल्स की, है ना, यू कैन सी मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, पेलीसेड मेसोफिल, है ना। तो स्पेशल पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स, मेसोफिल सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं पेलीसेड मेसोफिल की, पेलीसेड मेसोफिल की। तो पेलीसेड मेसोफिल जो होता है, दे आर इलोंगेटेड, यू कैन सी द शेप ऑफ द सेल्स, दे आर इलोंगेटेड, सी
they are elongated cells, right? They are elongated cells parallel to each other, elongated, and they are parallel to each other, and they do not have intercellular spaces among them, hai na, less space, and ekdam covered rehta hai, right? Less space. And if I talk about spongy, hai na? See, spongy, ye wale, hai na? Spongy mesophyll. तो स्पॉन्जी मेसोफिल में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्विंग दैट दे आर स्फेरिकल इन शेप, दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस, प्रेजेंट, है ना? इंटरसेल्युलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है, दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑफकोर्स वास्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. सो फिफ्थ चीज हम पढ़ेंगे अबाउट वास्क्यूलर बंडल. सो जो वास्क्यूलर बंडल्स हैं यहाँ पे वो कैसे होते हैं बच्चों? की सी एक लीफ है, एंड एक लीफ का ये आपका मिडरीब है, एंड दिस आर योर वेन्स, है ना? अब मैं ऐसे कट करूं, ये मिडरीब है और ये आपके वेन्स जा रहे हैं, ठीक है? अब मैं अगर ऐसे करके जो मिडरीब के जाइलम होंगे वो ऑफकोर्स बड़े होंगे, एंड जो वेन के होंगे वो कैसे होंगे? वो छोटे होंगे. सो वास्कुलर बंडल में हमें क्या मिलता है? वास्कुलर बंडल में लार्ज साइज वास्कुलर बंडल इन मिड वेन वी फाइंड लार्ज साइज वास्कुलर बंडल्स एंड स्मॉल साइज In other veins, क्योंकि midrib में तो बेटा वो बड़ा है, तो हमें of course जो xylem फ्लोएम मिलेंगे वो बड़े साइज के मिलेंगे, veins में वो छोटे साइज के होंगे, तो ऐसा होता है, right? And कैसे मिलता है यहाँ पे? ऐसे xylem और फ्लोएम, ठीक है? Xylem और फ्लोएम है, ऐसे मिलेगा यहाँ पे. क्लियर हो गया ये बात? Okay, now let's study about monocot leaf. It's very easy. इसका दूसरा नाम है isobilateral leaf. इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? isobilateral leaf. Monocot leaf is also known as isobilateral leaf. यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा. You have adaxial and abaxial epidermis. But यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे जो adaxial epidermis है, मतलब जो आपका अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट है. स्टोमेटा आर प्रेजेंट, एंड जो आपका लोअर एपिडर्मिस है, दैट इज अबेक्सियल. योर लोअर एपिडर्मिस, आपका जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें भी स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट है. स्टोमेटा आर प्रेजेंट. एंड बच्चों क्योंकि मोनोकॉट की बात है, यहाँ पे जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स है उनका शेप होगा डम्बल शेप. तो जो स्टोमेटा का गार्ड सेल है, उनका शेप क्या होगा? इट विल बी डम्बल शेप्ड के होंगे, है ना? जो स्टोमेटा होगा इनका, सॉरी गार्ड सेल होगा जो स्टोमेटा में, वो डम्बल शेप का होगा इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ. ओके, देन यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स है ना उसमें कुछ बाइफर्केशन नहीं है. मेसोफिल सेल्स तो वही है, पैरेन्काइमा इन नेचर, बट इनमें कोई बाइफर्केशंस नहीं है एज स्पॉन्जी एंड पेलिसेड. ओके, सो मेसोफिल में नो डिस्टिंक्शन ऑफ पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, ठीक है? पेलिसेड स्पॉन्जी का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. अब जो अलग है इसमें वो क्या है? ये आपका लीफ है ना? लीफ में ये क्या है आपका? मिडरीब है ना? अब मिडरीब में यहाँ पे कुछ अपर सरफेस में बेसिकली कलरलेस सेल्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? कुछ कलरलेस सेल्स होते हैं अपर सरफेस पे, है ना? कलरलेस सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बुली फॉर्म सेल्स. क्या बोलते हैं?
बुलीफॉर्म सेल्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, ये वाटर ले सकते हैं एंड तभी बेटा आप देखते हो ग्रासेस, जैसे ग्रासेस आर मोनोकॉट राइट, तो वाटर लेने की वजह से ये लोग थोड़े ऐसे यू नो झुक जाते हैं राइट। तो बुलीफॉर्म सेल्स कैसे होते हैं, कॉलरलेस होते हैं, फाउंड ऑन द अपर सरफेस। ठीक है, आपको ये कहाँ मिलेंगे, आपको ये अपर सरफेस में मिलेंगे। ठीक है, यू फाइंड इट ऑन अपर सरफेस राइट। समझ में आया? जाइलम फ्लोएम तो ऑफकोर्स होगा ही होगा राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोनोकॉट लीफ, है ना। सो हमने हिस्टोलॉजी का स्ट्रक्चर देख लिया सबका, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट लीफ। सो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था दैट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड लर्न कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।